ओके, तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने वेक्टर से स्टार्ट किया था, और वेक्टर्स के अंदर वेक्टर का डेफिनेशन, पैरेलल वेक्टर्स, जस्ट आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, कहीं पे एक्स ए प्लस वाई भी इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। देखो सिंपल सा फंडा ये कि सपोज करो ए वी में एक्सप्रेस हो जाता है, ए वेक्टर बी में वेक्टर में एक्सप्रेस हो रहा है, तो डेफिनेटली दोनों वेक्टर्स पैरेलल रहे होंगे वहां पे, और बी में एक्सप्रेस नहीं हो पाता तो फिर नहीं होंगे पैरेलल। जैसे आई कैप है वो जे कैप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप, तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो जाता है आई कैप जे कैप और के कैप का, ठीक है। तो ये हो गया था, और फिर आई थिंक कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स भी हो गया था, उसमें आप एसी वेक्टर फाइंड करते हो, एसी वेक्टर फाइंड करते हो और कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो जाता है, रेशियो सेम करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आ गए थे पैरेलोग्राम लॉ पे, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल देखो आप एक वेक्टर सर्च करते हो जो किसी के टेल से स्टार्ट होकर किसी के हेड पे जा रहा है, लॉ हेड तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लिया था, पे। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। हाँ हाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो माइनस टू ए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है जिसका काम केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करना, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पर उसका मैग्नीट्यूड वन वन होता है। होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है उसका, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब मेरे को आप ये बताओ क्वेश्चन कौन सा दिया था लास्ट में मैंने वो देखो। रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर फाइंड अच्छा एंगल अच्छा ओके बिटवीन ओके, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम, कितना इनका आंसर आ वन रहा है ट्वेंटी सर, डिग्री से 120 120 आ रहा है। करेक्ट है। तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज आल्सो वहां पे लिखा हुआ है वन, तो बेटा ये बनेगा अंडर रूट ऑफ वन वन टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा इज आल्सो वन, करेक्ट, ठीक है। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया है यहाँ पर माइनस वन अपॉन टू। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू होता तो आंसर आता है 60 डिग्री, लेकिन अभी नेगेटिव है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 120 डिग्री, करेक्ट। और 120 डिग्री को आप क्या लिख दोगे, 2π/3, ओके ठीक है सही। तो इसको मैं रफ करता हूँ, अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा ट्रायंगल लॉ ये सब हो गया था है ना, हाँ फिर देखो इसमें इस तरीके से एक पॉलीगन लॉ भी आता है। तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो एक वेक्टर ये रहा एक वेक्टर ये रहा, मतलब पहले ऋषिकेश ने इधर से इधर चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ये बताओ जीरो रिजल्टेंट क्या होगा इन सबका, करेक्ट है। तो यही पॉलीगन लॉ होता है कोई कि जहां से भी आपको क्लोज करंट, उसका रिजल्टेंट जीरो ना। एग्जैक्टली कोई भी क्लोज है तो उसका रिजल्टेंट जीरो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पता लगा आपने ये था ये था ये था ये था और ये है, ना नहीं सेम डायरेक्शन, हाँ, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली ये रिजल्टेंट है, क्योंकि हाँ ये किसी हाँ के सर, टेल से स्टार्ट एक होकर हेड से के, और एक टेल, हाँ हेड पर टच हो रहा है, टेल हेड पे टच हो रहा है टेल से स्टार्ट हो रहा है, से स्टार्ट हो रहा है। या फिर तुम ये समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट करके इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, तो फाइनली यदि मेरे को आउटपुट गया तो आउटपुट चाहिए तो तुम यहाँ से इधर ही गए ना बस, तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, डी नोट करो ये क्या बोलते हैं इसको, ये पॉलीगन लॉ बोल सकते हो। अभी तुम लोगों ने एक डाउट पूछा नहीं, मेरे को पूछना चाहिए था तुम लोगों को, कि जैसे मैं क्या बोल रहा था कि यार एक ट्राइंगल के अंदर आप एक ऐसा वेक्टर सर्च करो, ध्यान सुनना, जो किसी के टेल से स्टार्ट होकर किसी के हेड पे कंप्लीट हो रहा है, यही बोल रहा था। तो तुम लोग ये पूछ सकते थे कि सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सपोज कि कोई एक ऐसा वेक्टर आ जाए जो किसी के टेल से स्टार्ट होकर किसी के हेड पे एंड ही ना हो, समझ रहे हो, हाँ सर, हाँ तो वो केवल यही कंडीशन पॉसिबल है और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तुम बना के देख लो। इसके अलावा तुम ऋषि बना के देखो अपने आप से तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम ऐसे वेक्टर्स बना के देखो, इस केस को छोड़ दो, बाकी हमेशा तुम्हें ऐसा वेक्टर जरूर मिल जाएगा जो किसी के टेल से स्टार्ट होकर किसी के हेड पे कंप्लीट हो रहा है, करके देख लो तुम लोग, करके देख लो तुम्हें बिलीव हो जाएगा। और यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी कितना आ रहा है, जीरो इस केस के अलावा कुछ भी रैंडम तुम कुछ भी बना दो यार, तुम्हें ऐसा वेक्टर 100% मिलेगा जो किसी के टेल से स्टार्ट होके किसी के हेड पे कंप्लीट होगा, जीरो हाँ फिक्स है। मैं बना के दिखा सकता हूँ तुम चाहो तो, ऐसे रैंडम सपोज करो मैंने कुछ रैंडम बनाना स्टार्ट किया, मान लेते हैं ऐसा कुछ बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी तुम थर्ड वेक्टर बनाओगे तो या तो ऐसे बनाओगे, अब जैसे ऐसे बनाया देखो ये मिल गया आपको रिजल्टेंट, समझ में आया। और सपोज करो ऐसे बना रहे हो
ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब यार इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तुम लोग के 11th में था क्या सीबीएसई में ये वेक्टर्स? हाँ सर, फिजिक्स में था, फिजिक्स में सीखा था थोड़ा। नहीं मैथ्स के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं काफी अच्छे, करते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चंस। मेघना काकी, अरे यार म्यूट कर लिया करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है 1 मिनट रुको, मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है रफ करो पूरा अभी। हाँ सर, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अच्छा लास्ट टाइम पे क्वेश्चन हो गया था है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू 10 थीटा बाय 2। हो गया। ये क्वेश्चन लिखो अभी। ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, देन ए वेक्टर इक्वल्स टू, ऑप्शंस दे रहा हूं मैं 2 मिनट को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ए सी प्लस ए एफ, पहले जो वेक्टर लिखे हुए हैं केवल उन्हीं के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ए सी प्लस ए एफ प्लस ए बी, ए सी प्लस ए एफ माइनस ए बी, ए सी प्लस ए बी माइनस ए एफ, माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए एफ। अच्छा यार किसी को ये डाउट नहीं आना चाहिए ना, जैसे मैं यहाँ पे एरो तो बना ही नहीं रहा हूँ तो कंफ्यूजन होगा तुम्हें कि एरो किधर है, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा ठीक है वो ए से सी की तरफ ही है। ठीक है अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना है ना, थोड़ा सा केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना क्वेश्चन को, जो तुम्हें समझ में आएगा। ये है ए बी सी डी ई एफ, करेक्ट? ठीक है, ये है ए बी वेक्टर, ये है बी सी वेक्टर, ये है सी डी, सी डी का मतलब सी टू डी, ये है डी, ये है ई एफ और ये है एफ ए। क्या फाइंड करना है फाइनली हम लोगों को, ओके यानी ये फाइंड करना है ए। अच्छा किसके टर्म्स में एक्सप्रेस है वो देखो, ए सी, ए एफ और ए बी, यानी ए बी यूज किया इसने, ये ए सी यूज किया हाँ है, और कौन सा यूज किया है, ए एफ, ये यूज किया है। अब एक चीज क्लियर है कि ए एफ वेक्टर और ए एफ और सी डी ये सेम ही रहे होंगे, सिमेट्री है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन भी सेम ही है। मैं फिर से बोलता हूँ, ए बी और सी डी, ए टू एफ सी टू डी सेम, सिमिलरली ए टू एफ सी टू बी भी सेम, सिमिलरली ए टू बी और ई टू डी भी सेम। तो एफ ए यूज करने की जगह आप सी डी यूज कर सकते हो, ठीक है, और अभी क्या बचा यहाँ पर, ए बी भी है, ए बी यूज करने की जगह आप ये यूज कर सकते हो, ई डी। ठीक है तो एक काम करते हैं, ये वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्लियरली क्लियरली ए ई वेक्टर विल बी इक्वल टू ए सी, ए से सी पे गया, सी से डी पे हाँ गया और डी से, नहीं इसमें कोई डाउट है? ए टू सी गए, सी टू डी आ गए और डी टू कहाँ चले गए, तो पे ये रिजल्टेंट यही हो गया ना। अरे यार रिजल्टेंट बस इतना समझो, तुम स्टार्टिंग में कहाँ पे थे, लास्ट में कहाँ पहुंच गए, वो रिजल्टेंट होता है बस।
इधर भागा, फिर इधर भागा, फिर इधर भागा, तो फाइनली तुम यहां से इसको हिट कर सकते हो, सही है? ठीक है, ओके। अब ऑप्शंस देखते चलते हैं। ऑप्शंस में कहीं पे ए ही नहीं है, सॉरी ए ही तो फाइंड करना है, ए सी है ऑप्शन के अंदर, ए सी को रहने दो। सी डी नहीं है, सी डी की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? एफ एफ और डी ई भी नहीं है, डी की जगह पे क्या लिख सकते हो? ए बी ए बी नहीं यार, डी की जगह पे बी ए लिखोगे, क्या बोल रहे हो? हाँ बी ए, बी ए सही है। और बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? माइनस ए बी। आंसर आ गया आपके पास, तो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी ऑप्शन आ गया, करेक्ट। नोट कर लो जी। यार ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है ये। हो गए ठीक है, रफ करूं फिर से अभी? अच्छा, कोलिनियरिटी पैरेलल वगैरह ये सब हो गया था, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग डायरेक्ट अच्छे पॉइंट्स पे आते हैं। नोट करके पॉइंट लिखो, ये है ए, ये है बी, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, करेक्ट। अगेन इसके ब्रैकेट में लिखा है मैंने वेक्टर, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन से आ रहा है वो। हाँ, ये एक्चुअली पोजीशन वेक्टर है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं और वो वेक्टर ओरिजिन से आ रहा है, ओरिजिन से आ रहा है, क्योंकि पॉइंट कभी वेक्टर नहीं होता है ना, तो बेसिकली वो जो वेक्टर है वो कहाँ से आ रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन से ये सपोज करो आर वेक्टर है, मतलब ये भी ओरिजिन से आ रहा है, ये रेशो है एम रेशो एन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था हम लोगों ने सबसे लास्ट में, वैसे ही टू सेम वेक्टर्स में भी है। आर वेक्टर आप लिख सकते हो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस एन, ये इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल होता तो माइनस आ जाता, सही है? अगेन इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपका आई कैप और जे कैप दोनों का कैलकुलेशन एक साथ हो जाता है, और के कैप का भी हो जाएगा। भाई आई कैप और जे कैप आपस में एड होते हैं क्या? नहीं होते ना, तो आई कैप अलग रहेगा, जे कैप अलग रहेगा, जे कैप अलग रहेगा, बस। तो अपने आप सारे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट के साथ आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नोट करो। अगेन ये ब्रैकेट में वेक्टर है, मतलब कोऑर्डिनेट सही है, फर्स्ट सेंट्रोइड थ्री, सेकंड सेकंड लिखो आप इसका ऑर्थो सेंटर। अच्छा ये सारी चीजें मैंने यार आपको कोऑर्डिनेट के अंदर बताया था ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, ओके। और वो कैसे फाइंड करते हैं वो तो हम एक बार कोऑर्डिनेट का बेसिक पढ़ना, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, जैसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा टाइम लगेगा यार, तुम लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है? हां सर, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। सपोज करो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है,
तो इसका स्लोप फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड कर दो, इसका इक्वेशन लिखो, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, इसका स्लोप फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर स्लोप, इसका इक्वेशन लिखो और दोनों को सॉल्व कर लो, ये आ जाता है। करंट के एप्लीकेशंस भी बताए थे, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। अभी इसके कोऑर्डिनेट है, उनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑर्थो सेंटर को मैं सपोज करो बोल रहा हूँ एच वेक्टर, क्या बोल रहा हूँ, जनरली एच से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, ये ए वेक्टर 10a प्लस बी वेक्टर 10b प्लस सी वेक्टर 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। ये आपको माइंड में होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर के अंदर 10a 10b 10c आता है, ठीक है, इतना मालूम हो तो भी काफी रहता है। नेक्स्ट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने वहां पे, ठीक है। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्कल का सेंटर और ये तीनों वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे आता है। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है ये, ए वेक्टर साइन टू ए, बी वेक्टर साइन टू बी, सी वेक्टर साइन टू सी। अब ये नेक्स्ट टेस्ट में आ रहा है तुम्हारा, है ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के क्वेश्चन आएंगे, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है क्या, सर्कल पैराबोला है तो वो थोड़ा सा पढ़ लेना तुम लोग, जैसे टाइम मिले तुरंत एक बार। नेक्स्ट टेस्ट में कैसा, हाँ, अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये किसका फॉर्मूला है, सरकम सेंटर का। क्लियर, ऐसा टफ नहीं है यार, ये सिंपल ही है। ऑर्थो सेंटर में आता है 10, सरकम सेंटर में आता है साइन टू ए। क्लियर, बस इतना माइंड में रखो। इनका यूज क्या है बताऊंगा मैं, एक बार तुम ये लिख लो पहले, बाकी वो सब बताया था कि यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो सारे पॉइंट्स कोइंसाइड होते हैं, और आइसोसेलेस है तो सारे पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट वही सरकम सेंटर होता है, और जिस एंगल पे 90 डिग्री बनता है वो ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इन सेंटर। याद है किसी को इन सेंटर का कैसे फाइंड करते थे, फॉर्मूला क्या था इन सेंटर का, ये साइड है स्मॉल है, ये साइड, अच्छा सॉरी, ये साइड है अल्फा, ये साइड है बीटा और ये साइड है गामा। याद है किसी को इन सेंटर का फॉर्मूला, क्योंकि इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के फॉर्मूले नहीं होते थे कोऑर्डिनेट में, वेक्टर्स में होते हैं, लेकिन इन सेंटर का फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला था ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये नोट कर लो आप, ये इन सेंटर हो गया। इन सेंटर तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है, ऐसे देखो यार, एक्स सेंटर्स भी होते हैं, ये भी बताया था आपको कोऑर्डिनेट के अंदर। ये तीन सर्कल की स्पेशलिटी भी देखो, ये तीनों सर्कल, जैसे ये सर्कल है तो ये तीनों साइड को टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। क्लियर, इनको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर्स। ये है आई वन, ये आई टू बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ आई थ्री। ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ठीक है, इनका फॉर्मूला भी सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और वो क्या आएगा, I1 is equal to, ये तो मैं समझ में आ रहा होगा, I1 A के अपोजिट है, तो ये आप अल्फा को नेगेटिव रख देते हो, बाकी सब सेम, माइनस अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी अपॉन माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, करेक्ट, अल्फा बीटा गामा साइड से। सिमिलरली I2 क्या आएगा, अल्फा ए माइनस बीटा बी माइनस गामा सी अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। ऐसे ही I3 क्या आएगा, अल्फा ए प्लस बीटा बी माइनस गामा सी अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। नोट करो पूरा, कोई भी क्वेरी है इन सबके रिगार्डिंग तो पूछ लो यार, बता दूंगा मैं ना, और तो सेंटर वगैरह, बाकी मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार वहां पे रिवाइज कर लो, तो सब कुछ तुम्हें लिखा था हम लोगों ने वहां पे।
एक ये पॉइंट फॉर ऑल ट्राइंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल में तो सारे पॉइंट्स कोइंसाइड ही होते हैं. कोई बताएगा मैं कौन सा पॉइंट लिखने वाला हूं यहाँ पे, क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे बताओ. वो रेशियो और टू इस टू वन रेशियो लिखने वाले हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे आता है ऑर्थो सेंटर, इधर आता है सेंट्रोइड और यहाँ पे आता है सर्कम सेंटर. क्या आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नोट करो. ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एक मिनट बस. एग्जांपल लिखो. एक मिनट रुको यार, इस तरीके से लिखते हैं एग्जांपल. ठीक है, ये क्वेश्चन लिखते हैं. सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट है cos थीटा कॉमा sin थीटा, इसके कोऑर्डिनेट है लेट से cos अल्फा कॉमा sin अल्फा, और इसके कोऑर्डिनेट है cos phi कॉमा sin phi. अच्छा, मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ ना, ये एंगल नहीं है, ध्यान रखना थीटा. ये एंगल तो ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल है सी, करेक्ट. ठीक है, एक सेकेंड, ये लेफ्ट वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं मैं. इफ ऑर्थो सेंटर, सॉरी एक मिनट रुको, जस्ट एक सेकेंड रुको. आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट्स से एंगल इज 60 डिग्री, एंगल बी या फिर ऐसे डीसी रखते हैं, ना इधर रखते हैं. आप जैसे इतना फाइंड करो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेक्टर 10a प्लस बी वेक्टर 10b प्लस सी वेक्टर 10c, ये फाइंड करना है आपको. ऑप्शंस में बता रहा हूँ, ऑप्शंस के टर्म्स में बताना है आपको, है ना. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए वेक्टर इज दिस, हाँ इसका पोजीशन वेक्टर, जिसको आप चाहो तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप भी लिख सकते हो. हाँ, लेकिन अभी आंसर आपको इन्हीं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ही बताना है.
नेक्स्ट ऑप्शन. अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ए. सिग्मा ए मतलब ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनटू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी. करेक्ट. एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. अब सबसे पहले तो ये बताओ, ए वेक्टर टेन ए प्लस बी वेक्टर टेन बी प्लस सी वेक्टर टेन सी, ये एक्सप्रेशन कहाँ पे आता है? ऑर्थो सेंटर. एग्जैक्टली, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर में आता है. और एक ट्रायंगल के अंदर सबसे इजी क्या होता है फाइंड करना? सेंट्रॉइड फाइंड करना सबसे इजी होता है. ठीक है, तो देखो सुनो, ये सेंट्रॉइड है जी, ये मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री है. और यहाँ पे आ रहा था आपका सर्कम सेंटर और यहाँ पे आ रहा था ऑर्थो सेंटर. करेक्ट. ये रेशो होता है 2:1, तो आप h वेक्टर लिख सकते हो 2h plus 1c upon 2 plus 1, correct? Yes. Sorry, h नहीं g. G. और g होता है a plus b plus c upon 3, 3 3 cancel. तो basically h find करने के लिए मेरे को c का requirement है. C वेक्टर बता सकते हो उसको देख के क्या आएगा? इसका ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर क्या आएगा इसका? तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, तभी ऐसा होता है. सर 0.0 आएगा सर्कम सेंटर. सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बेसिक्स में किया था. हां सर, सर्कम सेंटर का इन तीनों से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सेम सेम होगा, तो 0.0 डालो. ये डिस्टेंस आएगा 1, ये डिस्टेंस भी आएगा 1, और ये डिस्टेंस भी कितना आएगा? 1. ये डिस्टेंस बनेगा अंडर रूट ऑफ cos² थीटा प्लस sin² थीटा. क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ cos² फाई प्लस sin² फाई. और ये आएगा अंडर रूट ऑफ cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा. समझ गए ना? हां सर. ये cos² अल्फा sin² अल्फा, cos² फाई sin² फाई, cos² थीटा sin² थीटा. तो इसका मतलब 0.0 इज द ओनली पॉइंट जिसका तीनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? सेम है. सेम. तो ये हो गया आपका c. कितना आ गया? 0. वेक्टर. इसका मतलब h वेक्टर क्या आ गया बोलो? फॉर्मूला देखो अभी लिखा था. तो ए वेक्टर टेन ए प्लस बी वेक्टर टेन बी प्लस सी वेक्टर टेन सी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू सिग्मा टेन ए. सिग्मा टेन ए. तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है तो इन तीनों में से, इन चारों में से? बाय टू जो आ रहा है. बाय टू तो कहीं पे है नहीं ना. तो इसका मतलब है ऑप्शन नन ऑफ दिस ऑप्शन. एक काम करते हैं, फिर नन ऑफ दिस ऑप्शन की जगह इसका प्रॉपर आंसर ही लिख देते हैं और उसका आप टिक कर लो. तो इसका आंसर हो गया सिग्मा ए. सिग्मा ए का मतलब ए प्लस बी प्लस सी into sigma 10a, मतलब 10a plus 10b plus 10c upon कितना आ रहा है? 2. 1, 2. ये आंसर करेक्ट है. नोट करो. तो ऐसे काम आता है ये एक्सप्रेशन, कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये एक्सप्रेशन एक्चुअली h वेक्टर में आता है. डाउट है किसी को? बताओ. करो इसको नोट करो जल्दी से, रख करता हूँ. Thank you.
इसे एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अपन डिस्कस करते हैं। सर हाँ बोलो। वो a प्लस बी प्लस सी बाई टू लिखा ना आपने, h इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू। हाँ उसके बाद आपने समेशन टैन a कैसे लिखा वो? बेटा फॉर्मूला है बताया था अभी, जब हम लोग सारे फॉर्मूले लिख रहे थे उसमें ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या है देखो एक बार। a टैन a प्लस बी टैन बी प्लस, अरे हाँ तुम तो गजनी की भी माँ वास्तव में। एक बार इसको रीड कर लो यार, कोई डाउट। चलो कि फिर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। ओके डन। चलो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ कि इस एंड्रॉइड वगैरह के प्रूफ कैसे होते हैं, हालांकि हम लोग कोऑर्डिनेट में कर चुके हैं लेकिन बोल रहा हूँ। ये पॉइंट है, बड़े ध्यान सुनना है ना, ये मैं अभी सेकेंड टाइम बता रहा हूँ आपको। बी और सी, सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ये दोनों सेम है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। और सेंट्रोइड इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? टू रेशियो वन, टू रेशियो वन करेक्ट है, तो आंसर आ गया आपका सेंट्रोइड। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे दिस से, 1 को मल्टीप्लाई करोगे दिस से अपॉन 2 प्लस 1, करेक्ट। तो 2 इनटू b प्लस c अपॉन 2 प्लस 1 इनटू a अपॉन 2 प्लस 1। तो देखो ये 2 a 2 कैंसिल और ये हो गया a प्लस b प्लस c अपॉन 3, करेक्ट है। तो ये तो हो गया सेंट्रोइड का प्रूफ। अभी एक देख लेते हैं इनसेंटर का प्रूफ, क्योंकि ये दोनों प्रूफ से कांसेप्ट काफी क्लियर हो जाते हैं आपके। ओके अच्छा, इन सेंटर क्या होता है बताओ? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, यह सब बताया था। आज थोड़ा पढ़ लेना ठीक है, घर जाकर के एक बार नोट्स कंप्लीट कर लेना, मतलब पढ़ लेना तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि तुम लोग एक चीज समझने की ट्राई करो, यदि कोई पॉइंट टू पॉइंट से सेम डिस्टेंस से मूव करता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मूव करता है, और टू लाइन से सेम डिस्टेंस से मूव करता है तो वो एंगल बाइसेक्टर में चलता है। हाँ, जैसे होता है क्या है ना कि इन दोनों पॉइंट से कोई पॉइंट सेम डिस्टेंस से मूव करेगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा, समझ गए? और सपोज करो इन दोनों लाइन से सेम डिस्टेंस से मूव करेगा तो वो कहाँ पे मूव करता है फिर? एंगल बाइसेक्टर। ये 5 है तो ये भी 5, ये 6 है तो ये 6, ये 7 है तो 7, तो ये दोनों एंगल अपने आप सेम आ जाते हैं। अभी तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर वो कहाँ से सेम होता है? सेम डिस्टेंस पे होता है, पॉइंट से, वर्टेक्स से, यानी इससे सेम डिस्टेंस मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इससे इससे सेम डिस्टेंस मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इससे इससे सेम डिस्टेंस मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सर्कम सेंटर लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। इसे सेंट्रोइड कहां पे लाई करता है? मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। अब ये बताओ इन सेंटर कहां से सेम डिस्टेंस पे होता है? तीनों लाइन से। इन सेंटर मतलब सेंटर ऑफ इन सर्कल, तो ऐसे एक सर्कल बनेगा तो ये तीनों इन रेडियस हो जाएंगे उसकी, मतलब वो जो इन सेंटर है वो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है, तो हम वो करेगा इसके एंगल बाइसेक्टर पे, ऐसे इसके एंगल बाइसेक्टर पर और ऐसे इसके एंगल बाइसेक्टर, समझ गए? ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर बना दिया हम लोगों ने।
अब किसी को एंगल, अच्छा एक सेकेंड, चलो समझने का ट्राई करूं। ये एंगल बाइसेक्टर है, अच्छा इस डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ स्मॉल ए, इस डिस्टेंस को आप ले रहे हो स्मॉल बी, और इस डिस्टेंस, चलो ये काम करते हैं अल्फा ले लेते हैं ना, ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी है ना, इसलिए ये साइड में ले रहा हूँ अल्फा, ये साइड है बीटा और ये साइड है गामा। अभी एंगल बाइसेक्टर की कुछ स्पेशलिटी पता है हम लोगों को? भाई ये तो पता होगा ना, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स। हां सर, ये पता है ना ये प्रॉपर्टी? हाँ सर, ये 9th-10th में ही आती है ये प्रॉपर्टी, है ना। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनका रेशियो भी क्या आने वाला है? सिमिलर। हाँ मतलब किसके सिमिलर आने वाला है, नहीं किसके सिमिलर आने वाला है? गामा अपॉन बीटा के सिमिलर आने वाला है। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव साइड, जिन साइड से वो बनता है ना, उन जिन साइड से वो बनता है एंगल बाइसेक्टर, उन सामने वाले साइड को भी इसी रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये रेशियो भी कितना, नहीं पता है तो पता कर लो यार, है ना, ये बताया था वैसे मैंने सबको। तो ये रेशियो क्या, गामा रेशियो बीटा, क्लियर? ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, ये टोटल साइड है अल्फा और ये रेशियो है गामा रेशियो बीटा, तो ये पोर्शन कितना आएगा? थाउजेंड रुपीज है, हमको 5:2 में डिवाइड करना है, वही क्वेश्चन है ये। टोटल रुपीज है अल्फा, इसको डिवाइड करना है गामा रेशो बीटा में, तो ये इसके पास कितने पैसे आएंगे बताओ? गामा माइनस अल्फा माइनस, ऋषिकेश क्या बोल रहे हो, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, बेटा क्या बोल रहे हो तुम? क्वेश्चन ये है कि ये टोटल रुपीज है अल्फा, इनको डिवाइड करना है आपको गामा रेशो बीटा में, तो इसके पास कितने रुपीज आएंगे ये बताओ इतना बस। गामा बाय अल्फा, आराम से करो, सोच समझ के करो। तुम्हारे घर में छोटा भाई होगा 7th-8th वाला, उसको बुलाओ, वो करेगा देखो इस चीज को। टोटल रुपीज है अल्फा, यहाँ से यहाँ तक टोटल रुपीज अल्फा है, इसको डिवाइड करना है गामा रेशो बीटा में, तो इसके पास कितने रुपए आएंगे वो बताओ। गामा बाय अल्फा, गामा प्लस बीटा, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस बीटा इनटू अल्फा, करेक्ट है। ये तुम निकाल लेना अपने आप से, नहीं निकाल पाते हो तो फिर छोड़ दो यार, ना नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो ये आ जाएगा गामा अपॉन गामा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा इनटू अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन बीटा प्लस गामा इनटू अल्फा, इनटू अल्फा, सॉरी हां इनटू अल्फा, ठीक है इनटू अल्फा। यार ऐसे ही करते थे ना, गामा रेशो बीटा, तो उसके पास होगा गामा एक्स, इसके पास होगा बीटा एक्स, गामा एक्स प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन गामा प्लस बीटा, तो गामा एक्स ये आ गया। इसमें डाउट है तो अपने किसी यंगर ब्रदर से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। ये साइड ये आ गया, ये साइड ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इसमें ये एक एंगल बाइसेक्टर था, इंटरसेक्शन इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ये भी एक ऐसे है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही एक्चुअली क्या है,
आई ठीक है, इसको मैं डी बोल रहा हूँ। अब आप इसको ऑब्जर्व करो ट्रायंगल एबीडी को, एक सेकेंड, ये साइड थी गामा और ये साइड कितनी है, गामा अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा, बेटा ऐसे कर सकते हो आप रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, रेशियो अपॉन टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, ऐसे होता है। सपोज करो आपके पास है टोटल 1000 रुपीज और उनको डिवाइड करना है आपको 3:2:1 में, तो 3 वाले को मिलेगा 3 अपॉन टोटल रेशियो कितना आएगा 6, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1000, इसको मिलेगा 2/6 × 1000 और इसको मिलेगा 1/6 × 1000। ठीक है, अच्छा अब इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो आप ट्रायंगल एबीडी को, तो ट्रायंगल एबीडी के अंदर ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो अगेन ये एंगल बाइसेक्टर इस साइड को इस रेशियो में डिवाइड करेगा, दिस अपॉन दिस में डिवाइड करेगा, यानी आप अभी यहाँ पे लिख सकते हो कि ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू कितना, गामा अपॉन गामा अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा, अपॉन वाला ऊपर चला गया, ये क्लियर, हां गामा गामा कैंसिल, कितना गामा गामा कैंसिल 1/अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा, करेक्ट, बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और सुनो अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो सेंट्रोइड का क्वेश्चन था, सेंट्रोइड में ये रेशियो कितना होता है 2:1, जबकि यहाँ पे ये रेशियो होता है ये, तो बस तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाए ना, तो जैसे सेंट्रोइड में किया था वैसे ही करना है। इसके कोऑर्डिनेट तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, वापस इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये पॉइंट, ये रेशियो क्या था, ये रेशियो गामा रेशो बीटा, हाँ ये रेशो है गामा रेशो बीटा, तो ये पॉइंट क्या आएगा डी बताओ, ये रेशो है गामा रेशो बीटा, तो क्या लिखोगे गामा सी बीटा बी, हाँ बाय गामा प्लस गामा बीटा बी अपॉन गामा प्लस बीटा, करेक्ट, ऋषिके समझ आ रहा है तुम्हें, बताओ कोई डाउट है तो बताता हूँ मैं यार, बताओ क्या डाउट है, नहीं सर, अरे नहीं पूछो, अरे ऋषिकेश पूछो आगे नहीं बढ़ेंगे, पूछो क्या डाउट है, नहीं सर, अरे नहीं बताओ यार क्या डाउट है, चलो फिर इसको एक्सप्लेन करो, कोई डाउट नहीं है तो स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो, करो भाई, सर अभी आपने वो बीटा इज टू गामा रेशो लिया ना, हाँ हरुषि बोलो भाई क्या हुआ, बताओ क्या डाउट है बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ, इधर देव तुम एक्सप्लेन करो, ये जो अभी तक किया है हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन करो, यहां से इन सेंटर, यहां से इस लाइन से, देव एक्सप्लेन करोगे, आवाज आ रही है तुम्हें, साउंड वॉइस आ रहा है, हाँ सर, हाँ बेटा एक्सप्लेन करो, शाबाश, कौन एक्सप्लेन करेगा, चलो कोई तो एक्सप्लेन कर दो यार, अभी तक सब सिंपल ही है यार ये, सुशील तुम एक्सप्लेन करो,
तुम लोग तो यार माइक ऑन नहीं कर रहे हो अपना यार, क्या बात है। एक और वीडियो ऑन करो सभी लोग अपना, सभी के बाल खड़े हुए काफी। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? कर दे, एक दो मिनट रुक। ऋषिकेश क्या डाउट है? हेलो ऋषिकेश, गिटार किधर है तुम्हारा? गिटार बताओ। क्या बोल रहे हो? म्यूट है उसका, म्यूट ऊपर रखा है उधर। अच्छा ओके सुजल, तुमने वीडियो नहीं किया यार। हाँ सुजल एक्सप्लेन करो। अनिरुद्ध तुम एक्सप्लेन करोगे? चलो सिद्रा मिश्रा तुम ही कर दो यार, बाकी सब लोग बोलने के कुछ पैसे चार्ज करते हैं तो यार वो तो मैं पे नहीं करने वाला। ठीक है तो तुम ही एक्सप्लेन कर दो सर। तुम ही एक फ्री वाले इंसान हो, तुम ही एक्सप्लेन कर दो। सर इन सेंटर वो पॉइंट होता है जो तीनों वर्टेक्स पॉइंट मतलब वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। क्या बोल रहे हैं? और इन सेंटर वो पॉइंट होता है जो ए बी सी से सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। भाई तुम क्या बोल, तुम अच्छा एक चीज और ऐसा देखो, मैंने एक चीज का नोट की थी कि जैसे YouTube में तुम कभी किसी से कॉल पे बात करना, ठीक है, और कॉल पे बात करते करते तुम उसमें YouTube ऑन करना, तो जिससे तुम बात कर रहे होते हो ना उसको तुम्हारा वो YouTube वाला साउंड नहीं सुनाई देता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है मुझे लगता है, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ है क्या? आपने बोला ना यही एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ फिर से बोलो, इन सेंटर का क्या बोल रहे हो तुम? बताओ मतलब आप बताओ मुझे एक्सप्लेन क्या करना है। तुम इन सेंटर एक्सप्लेन करो, जो तुम अभी बोल रहे थे उसको फिर से बोलो। बताओ सर इन सेंटर ऑल थ्री साइड से सेम पॉइंट पे लाई करता है। तुम पहले पॉइंट्स बोल रहे थे, अभी तुमने साइड बोला है। हाँ वो जल्दी में वो हो गया, सॉरी। कहाँ जा रहे हो तुम? वो पैनिक हो गया था यार, तुम पैनिक हो जाओगे तो फिर कैसे होगा? सॉरी 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 सर। हाँ चलो ठीक है, तो तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है, आगे बताओ। साइड्स उसके बाद जो हमारा बी पॉइंट मिलेगा वो एंगल बाइसेक्टर से मिल जाएगा हमें। एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, बाकी ये तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। सेम डिस्टेंस पे लाई करता है। ओके आगे बताओ। तो वो हमारे पास जो भी रेशियोज में डिवाइड होगा बी डी और सी, वो हमारे अपोजिट साइड्स के रेशियोज में डिवाइड होगा। ये गामा बीटा है तो ये रेशियो भी गामा रेशियो बीटा ही होता है। ठीक है आगे बताओ। तो उसे हम लिख सकते हैं गामा बाय गामा प्लस बीटा इनटू नीचे वाला साइड जो हमारा अल्फा अल्फा। तो ये लेंथ आ गया और ये लेंथ भी आ गया। ठीक आगे बताओ। तो हम इधर इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, हम ए आई बाय आई डी को, हाँ इस जो हमने अभी पॉइंट्स निकाले थे तो हाँ तो उसे निकाल देंगे ना, मतलब आईडी हो गया हमारा अल्फा। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, सुनो देखो ध्यान से। ये ट्रायंगल एबीसी सिंपल, साइड गामा साइड बीटा, अपोजिट रेशो भी वही आने वाला है गामा रेशो बीटा। ओके टोटल साइड है अल्फा, दिस साइड और दिस साइड आ गया।
अभी आप ये ट्रायंगल बना दो, तो इस ट्रायंगल के अंदर भी ये एंगल बाइसेक्टर है, अगेन ए आई रेशो आई डी सेम ही आने वाला है, गामा रेशो दिस, ठीक। अच्छा तो ए आई अपॉन आई डी गामा अपॉन दिस यानी हो गया बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा, तो बेसिकली मेरे को डी का रिक्वायरमेंट है, डी वापस से फाइंड कर रहे हैं यहीं से, ये है गामा रेशो बीटा, तो ये हो गया गामा सी बीटा बी अपॉन गामा प्लस बीटा, करेक्ट, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ वापस, आप ये है ए वेक्टर, दिस इज गामा सी प्लस बीटा बी अपॉन गामा प्लस बीटा, यहां पे कहीं पे है आई, ये है डी और ए आई रेशो आई सी, सॉरी ए आई रेशो आई डी, ये है अभी जस्ट फाइंड किया था बीटा प्लस गामा रेशो अल्फा, तो आई निकाल सकते हो ना बेटा आप, ये रेशो पता चल गया, तो दिस ए तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ये हो गया बीटा प्लस गामा रेशो अल्फा, ऐसे तो आई इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा इनटू दिस, तो ये हो गया गामा सी प्लस बीटा बी प्लस अल्फा इनटू दिस, तो क्या हो गया अल्फा ए अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यार ये सब वर्ड्स में आता है यार, तुम ये सब तो तुम्हें आना चाहिए वरना फंस जाओगे। ठीक है ओके, इसे नोट कर लो अभी। इसे नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है इसे नोट करो तो बताओ, डिस्कस करते हैं। ऋषि समझ आ गया अभी? हाँ सर। ओके यार एक बार खुद से करके देखोगे ना
तो तुम्हें आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। केवल सोचते रहोगे नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, एक बार करके देखोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये निकल के आता है, ये खैर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लेकिन अभी फिर से देख लो, ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये है आई, सपोज ये है डी, ये है ई और ये है एफ, ये साइड में ले रहा हूं अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, करेक्ट। तो जैसे सेंट्रोइड का रेशियो होता है ना 2:1, ऐसे ही इन सेंटर का भी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? इन सेंटर का। हाँ, और वो रेशियो क्या होता है, बहुत ही सिंपल, जैसे ए आई अपॉन आई डी, तो देखो क्या निकल के आ रहा था, ये अपॉन आई डी, बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा अल्फा, यानी कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव अपॉन अपोजिट, करेक्ट। कंसेक्यूटिव का सम अपॉन अपोजिट, ऐसे ही बी प्लस ई एफ, सॉरी बी आई अपॉन आई, ये क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा अपॉन बीटा, ऐसे ही सी आई अपॉन आई एफ, ये क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाय गामा, गामा अपॉन अपोजिट। हाँ ये नोट कर लो, बस इनके प्रूफ हो गए, अभी और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी एच फोर ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू 3G, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए वेक्टर साइन टू ए। सिग्मा ए वेक्टर साइन टू ए का मतलब ए वेक्टर साइन टू ए प्लस बी वेक्टर साइन टू बी प्लस सी वेक्टर साइन टू सी, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। करो देखते हैं क्या करते हैं। सर माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनटू सिग्मा साइन टू है।
गलत आंसर है। क्या आंसर है बताओ? जीरो आदित्य जीरो आंसर आएगा इसका, करेक्ट है। कौन बता रहा है जीरो? करेक्ट आंसर है, जीरो आएगा इसका आंसर। पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे आता है। तो ए वेक्टर साइन टू ए प्लस बी वेक्टर साइन टू बी प्लस सी वेक्टर साइन टू सी, ये एक्सप्रेशन ऋषिकेश कहाँ पे आता है ये एक्सप्रेशन? सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ठीक है, अब ये आपको पता है कि ठीक है यहाँ पे आता है ऑर्थो सेंटर, बताया था जस्ट अभी यार, है ना? इधर होता है सेंटर और यहाँ पे क्या होता है? सर्कम सेंटर। क्लियर? हाँ ये होता है 2:1, यानी कि जी इज इक्वल टू 2c+1h/2+1, 3, करेक्ट? ओके, ये हो गया। अभी 3g इज इक्वल टू 2c+h, अब लिखा हुआ है यहाँ पे h और 3g सेम ही है तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब c इज इक्वल टू कितना आ गया? जीरो और c वेक्टर का फॉर्मूला, सरकम सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? a वेक्टर साइन टू वेक्टर ए प्लस b साइन टू वेक्टर ए साइन टू b प्लस c वेक्टर साइन टू c अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू b प्लस साइन टू c, और ये वैल्यू जीरो कितनी आ रही है? जीरो जीरो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो जाएगा ना, तो जीरो जीरो आंसर है इसका। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अच्छा, ये वही प्रॉपर्टी है जो हम लोग बचपन पढ़ते थे कि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है? पहले और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो डेफिनेटली डी और बी सी क्या होगा? पैरेलल। अभी मेरे को ये वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। सपोज अब इसमें हम लोग करते क्या ना, थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात, आप कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर रख देते हो उसके अंदर, क्या रख देते हो? मतलब इसी पे मैंने ओरिजिन मान लिया। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे ये इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये वेक्टर ओरिजिन कहाँ से आ रहा है? से मतलब ये वेक्टर ही बी वेक्टर बन गया एक्चुअली। ओरिजिन बाकी यदि मैं इसको ए वेक्टर लिखता तो ये वेक्टर क्या बनता फिर? बी माइनस ए। तो कैलकुलेशन करने में इजी रहता है, आप किसी भी एक पॉइंट को जीरो पुट कर देते हो, आप उस पॉइंट को जीरो पुट करो जो काफी यूज होगा वहां पे, समझ गए? से ओके, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट क्या आएगा बोलो? सी प्लस जीरो अपॉन टू, हाँ और ये आएगा बी प्लस जीरो अपॉन टू, ये है डी, ये है ई। अच्छा अब ये बताओ डी वेक्टर क्या आ गया? डी वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, करेक्ट? वेक्टर माइनस वेक्टर तो ये हो गया सी माइनस बी बाई टू। और आप ये वेक्टर बताओ बीसी वेक्टर क्या है? बीसी
तुम्हें समझ में आ गया होगा, हाँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन, कल मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर को तुम दूसरे वेक्टर के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर देते हो, लैम्बडा के पैरेलल होता है वो। और डी का मैग्नीट्यूड बीसी के मैग्नीट्यूड का कितना आने वाला है अपॉन, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे, ये प्रूफ हो गया। ठीक नोट करो इसे। लेक्चर के बाद में कम से कम दो बार पढ़ा करो नोट्स को, कम से कम दो बार, दो बार सॉल्व किया करो, तब तुम्हारा लेवल इंप्रूव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है ये नोट हो गया होगा, सिंपल ही है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, करेक्ट। अभी क्वेश्चन ये है कि ए एम वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ए सी वेक्टर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, के का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस मैं कर देता हूं, बाकी तुम सॉल्व करो। अगेन आप यहाँ पे किसी भी वेक्टर को जीरो रख सकते हो, तो उससे क्या है क्वेश्चन काफी इजी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं ये जीरो रखा, इसको अभी बी वेक्टर ही लिख रहा हूँ, इसको सी वेक्टर ही लिख रहा हूँ, इसको डी वेक्टर लिख रहा हूँ, स्टार्ट करो चलो देखते हैं क्या करते हैं। ऋषिकेश एम वेक्टर एम का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा बताओ, ऋषिकेश बोलो एम का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय टू,
करेक्ट है। एन का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय टू। करेक्ट। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ए एम प्लस ए एन, यही है। हाँ तो ए एम प्लस ए एन कितना हो गया? अपॉन टू, और बी प्लस टू सी प्लस डी, करेक्ट। हाँ सर, ठीक ठीक है। अब एक चीज सुनो, इसको एक्सप्रेस करना है आपको एसी में। किस में एक्सप्रेस करना है? सी। हाँ एसी, एसी वेक्टर क्या बनेगा? सी माइनस जीरो। सी वेक्टर। हाँ, मतलब अब एक चीज समझो तुम, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, इसको रखा जीरो, इसका पोजीशन वेक्टर है बी, इसका पोजीशन वेक्टर है सी, इसका पोजीशन वेक्टर है डी। आप मेरे को ये बताओ, ये वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? दिस वेक्टर को डी वेक्टर, डी डी, वेक्टर, डीसी वेक्टर, मैं कहाँ जा रहा है भाई, इधर ही बना बी ना, वेक्टर उस वाले माइनस का इधर जीरो हो गया सर, था। बी ये वेक्टर। वेक्टर। हाँ, ऐसे। हाँ बी ठीक है। वेक्टर, इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो? इस वेक्टर को, डी वेक्टर, डी वेक्टर, अब मेरे को इतना बता दो कि बी और डी का, और सी, बी वेक्टर और डी वेक्टर का, रिजल्टेंट, सी सी वेक्टर वेक्टर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। एग्जैक्टली हाँ हाँ यानी कि तुम, बी कल बताया था आपको कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, ये डायगोनल के अलोंग आता है यहाँ पे सी ऐसे। वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो बी प्लस डी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सी वेक्टर, ये बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन है, इस जगह पे, यहाँ पे बी प्लस डी की जगह पे लिख दो सी, तो ये कितना हो गया? थ्री सी बाय थ्री टू, सी टू अपॉन सी टू। तो वेक्टर, बेटा ये थ्री अपॉन टू, और सी वेक्टर एक्चुअली एसी टी इज वेक्टर इक्वल टू थ्री बाय टू। है। एसी, सी वेक्टर एसी वेक्टर ही तो है। हाँ तो के इज इक्वल टू थ्री बाय टू। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग के पास शिंगेज है क्या? बुक, शिंगेज की बुक है क्या तुम लोग के पास में? नहीं नहीं है तो शिंगेज की बुक परचेज कर लो यार, है ना, वो फाइव बुक्स आती हैं अलग अलग। अच्छा हाँ, वो बुक्स परचेज कर लो। आज मैं काम करता हूँ, अभी क्या ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हो गया है तो सबके पास आ जाएगा। हालांकि बाकी जो चैप्टर ये चल रहा है उसके रिलेटेड मैं फोटोज क्लिक करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फिर ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी शीट तो मैं पोस्ट करूंगा ही, लेकिन पहले वो सिंगल सॉल्व करेंगे हम लोग इसका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम पर। बाकी यार परचेज कर लो, बेस्ट रहेगा, है ना, बुक्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्वेश्चन इज, मीडियन एडी इज बाइसेक्टेड एट ई, मतलब ये मिड पॉइंट है, करेक्ट? ओके, दिग्विजय तुम बताओ। दिग्विजय, हाँ सर। सपोज इसमें मैं इस लाइन पे सेंट्रोइड शो करता हूँ, ऑब्वियसली बात है सेंट्रोइड मीडियंस पे ही लाई करता है, तो वो ई के ऊपर आएगा या ई के बिलो? सर ये तो बिलो आएगा। क्यों ई के बिलो क्यों आएगा बताओ? बताओ भाई,
आदित्य तुम बताओ, सेंट्रोइड ई के बिलो या ई के अबव? कौन बताएगा बताओ? सर ई पे ही आएगा। क्या तुम तो अजीब आदमी हो भाई, क्या बोल रहे हो बेटा तुम? ऐसे थोड़ी होता है। इसने बोला है ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे सेंटर्ड होता है क्या? तो हाँ बोलो। ई के बिलो आएगा क्योंकि बिलो आएगा सेंट्रल सर, टू इज टू वन होता है, तो रेशियो में डिवाइड फिर वो करते हैं, ए के थोड़ा रेशियो में नीचे डिवाइड होते आएगा। हैं। सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, जबकि ये मिड पॉइंट हाँ है, तो हाँ रेशियो टू सेक्शन थोड़ा सा मिड आगे रहेगा। पॉइंट के नीचे रहता है बिलो। ई के बिलो आएगा, उसका रीजन यही है कि वो 2:1 है जबकि ये मिड पॉइंट है, तो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, सेंटर इधर कहीं पे आएगा। खैर अभी सेंटर कोई यूज है नहीं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करना। ओके क्वेश्चन देखते हैं। मीडियन ए डी इज बाइसेक्टेड ई डी, मतलब इसका मिड पॉइंट हो गया। आगे बी मीट्स ए सी एट एफ, ये नो डायग्राम बना लो यार, है ना, क्योंकि इस डायग्राम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन लिख लो, इतना लिख लो पहले, तो मैं इसको रफ करता हूँ। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, रफ करता हूं इसे ना। एक फाइंड करना है आपको ए एफ रेशो एस सी एफ, और एक फाइंड करना है ई बी ई एफ रेशो बी एफ। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एडी तो मीडियन है, मीडियन है मतलब ये दोनों पोर्शन सेम है, ठीक, और इसने बोल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी सेम है। इसके अलावा इसने ये भी बोला है कि बी ए सी को किधर मीट कर रहा है, एफ। अब आपको फाइंड करना है ए एफ रेशो सी एफ एंड ई एफ रेशो बी एफ, करेक्ट? ओके सबसे पहले तो आप किसी भी एक पॉइंट को जीरो पुट कर दो। आप मेरे को बताओ सबसे ज्यादा पॉइंट कौन सा यूज होने वाला है, उसी को जीरो रख देते हैं। सर ए ए को जीरो रख दो, ठीक है, वैसे बी ज्यादा यूज हो रहा था मेरे को ऐसा लग रहा है, ए को रख देते हैं, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए को जीरो रखता हूँ, करेक्ट? इसको एज इट इज मैं रख रहा हूँ वी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है वी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आते हैं, मतलब एक्चुअली ये वेक्टर ही वी वेक्टर रहा होगा, और वैसे भी ये वेक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी बी माइनस जीरो मतलब बी वेक्टर, क्लियर? ठीक है, इसको बोल देते हैं सी वेक्टर। सबसे पहले तो आप मेरे को डी बता दो, डी क्या आ गया? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाकी। करेक्ट, ये हो गया आपका डी वेक्टर पोजीशन वेक्टर। ऋषिकेश ई वेक्टर भी बता दो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और होल डिवाइड बाय टू। फाइनली क्या आ रहा है वो बताओ। ए प्लस सी वेक्टर बाय फोर, ए प्लस डी बाय टू, बी प्लस सी बाय फोर। हाँ हाँ सर, एक सेकेंड, ओके okay. तो ई आ गया है बी प्लस सी अपॉन फोर, दिस प्लस दिस अपॉन टू, करेक्ट? ये तो जीरो है ना इसलिए। अच्छा हाँ अब आगे सुनो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी क्लासिक क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें करते क्या है हम लोग कि मेरे को एफ तक पहुंचना है किसी तरीके से, ठीक है, लेकिन मेरे को ए एफ रेशो एफ सी नहीं पता, वही क्वेश्चन है, ना ही बी रेशो ई एफ पता है, वही क्वेश्चन है, करेक्ट? तो आप एक काम करो, ए एफ रेशो एफ सी इसको कुछ तो पुट कर दो, लैम्बडा रेशो वन पुट किया सपोज करो मैंने, चलता है? ऐसे ही बी रेशो ई एफ इसको पुट किया क्या, के रेशो वन। आप एम रेशो एन नहीं रखते हो यार, एम रेशो एन के अंदर दो वेरिएबल है, लाइक थ्री अप थ्री रेशो टू होता है, तो थ्री रेशो टू को मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, थ्री अपॉन टू रेशो वन। तो जब भी रेशो फाइंड करना है आप लैम्बडा रेशो वन रखते हो, क्लियर? मान लेते हैं आपका आंसर 5:4 आना था, तो लैम्बडा रेशो वन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा 5/4:1। नहीं। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब आप एक काम करो,
यूजिंग लैम्बडा रेशियो 1, एफ वेक्टर बताओ कितना आ रहा है। लैम्बडा सी वेक्टर बाय लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा सी प्लस 1 इनटू 0 लैम्बडा प्लस 1 डिवाइड बाय लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1, तो ये आ गया बेटे लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा प्लस 1। सिमिलरली यूजिंग के रेशियो 1, इसको साइड में लिखते हैं, रुको यूजिंग के रेशो 1, ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पे क्या कि ई वेक्टर इज इक्वल टू के एफ के एफ वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर के प्लस 1 के प्लस 1। सो ई वेक्टर ऑलरेडी पता किया हुआ है हम लोगों ने बी प्लस सी अपॉन, हां सर, तो ये हो गया के प्लस 1 और ये हो गया के एफ और प्लस का बी, करेक्ट। यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे एफ वेक्टर, समझ रहे रहा है? तो देखो एफ वेक्टर आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना मैं क्या लिख रहा हूँ। के प्लस वन को सबसे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें से बी वेक्टर माइनस कर दिया और फिर डिवाइड किया के, सही सर, ठीक है, सिंपलीफाई बाद में कर लेंगे। अब आप यहाँ से काम करो, इन दोनों इक्वेशन से एफ वेक्टर इक्वेट कर दो, कोई डाउट नहीं? इधर से भी एफ वेक्टर पे अप्रोच किया, यहां से भी एफ वेक्टर पे अप्रोच किया, आप दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू ये, ठीक, दिस इज 1 अपॉन के। एक काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं बी और सी सेपरेट करके लिख रहा हूँ, चलता है? बाकी तुम लोग भी कर सकते हो बी और सी सेपरेट। मेरे को आप ये बताओ बी वेक्टर कितना कितना आ रहा है? देखो बी वेक्टर तुम्हें दिख रहा होगा के प्लस 1 अपॉन 4 के और माइनस 1 अपॉन के, के इनटू बी वेक्टर अपॉन 4, के प्लस 1 अपॉन 4 के माइनस 1 अपॉन के, इतना बी वेक्टर आ रहा है, कोई डाउट? सी वेक्टर कितना आ रहा है वो बताओ, के प्लस 1 ओके, तो बी वेक्टर कितना आ रहा है के प्लस 1 अपॉन 4 के और माइनस 1 अपॉन के, सी वेक्टर कितना आ रहा है, सी वेक्टर बताओ, k plus 1 upon 4 k, ये c वेक्टर है, करेक्ट है? ठीक है, अच्छा, अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, b वेक्टर और c वेक्टर, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, सही है? ये पैरेलल है क्या? नहीं। तो तुम बी वेक्टर को सी वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं 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 कर सकते। तो कल तुम्हें याद है पॉइंट बताया था मैंने, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो, इफ ए एंड बी आर नॉट पैरेलल देन एक्स एंड वाई बोथ शुड बी साइमल्टेनियसली जीरो जीरो। इसका मतलब यहाँ पे भी जितना बी वेक्टर लेफ्ट साइड में है उतना बी वेक्टर राइट साइड में, जितना सी वेक्टर लेफ्ट साइड में है उतना सी वेक्टर अभी लिखने का स्पेस नहीं है, नोट करो। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, तुम सॉल्व करके मेरे को वैल्यूज बताना है ना। ओके, बी वेक्टर लेफ्ट साइड में कितना बी वेक्टर आ रहा है, जीरो, और राइट साइड में कितना बी वेक्टर है, लैम्बडा इनटू लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा प्लस 1,
यही होना चाहिए जीरो, करेक्ट। सी वेक्टर लेफ्ट साइड में कितना सी वेक्टर है, लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1, और राइट साइड में कितना सी वेक्टर है, ए प्लस 1 अपॉन 4 क्यू प्लस 1 अपॉन 4 क्यू। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, मेरे को के और सी के और लैम्डा के वैल्यूज बताओ, और इसको नोट कर लो पूरा ऐसे और फिर ऐसे नोट करना। सर k इज इक्वल टू 3 आता है, एक बार नोट कर लो पूरा पहले। सर अरे कुटम मिला लाइट ये लिया अरे गेला जाऊ दे गबसा कत्ते आईके आईके ले। अच्छा 2 मिनट रुको कनेक्ट करता हूँ, वो नेटवर्क चला गया था बीच में इसलिए। वो सब नोट किया होगा तुम लोगों ने ना, सर थोड़ा रह गया तो कितना रह गया था बताओ, बहुत इक्वल करना है ना उधर तक। ठीक है चलो वो उनको एक वो लिख देते हैं। सिद्धराम क्या इक्वेशन बन रहे थे बताओगे एक बार? हाँ सर लिख दिया था मैंने पूरा। क्या इक्वेशन बन रहा था बी वेक्टर का बताओ, क्या इक्वेशन बन रहा था? k plus 1 upon 4 k minus का 1 upon k is equal to 0। और सी वेक्टर का क्या इक्वेशन बन रहा था? लैम्डा बाय लैम्डा प्लस 1 ओके इज इक्वल टू के प्लस 1 बाय 4 के। ऋषिकेश ठीक है अभी? हां सर चलो ओके। तो के और लैम्डा की वैल्यूज फाइंड कर लो, के इज इक्वल टू 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 सी। तो इधर दिख ही रहा है सिंपल इक्वेशन है ये, ऐसा कुछ टफ इक्वेशंस नहीं है। तो k इज इक्वल टू कितना बता रहे हो तुम? 1 अपॉन 3 3 अच्छा ओके 3 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन 2 ठीक है। ठीक है सही है। बस आंसर्स आ गए आपके ना, अब देख लेते हैं फाइनली क्वेश्चन क्या था। ओके तो ये हम लोगों ने पुट किया था लैम्डा रेशो 1 1:2 आ गया 1:2
और ये था k रेशो वन, तो ये आ गया 3:1। क्वेश्चन को थोड़ा इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, a ऑफ रेश टू c ऑफ, तो ये तो सही है, ये तो आ गया है 1:2। और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, f ऑफ रेश टू bf, b रेशो bf, तो ये आंसर कितना आएगा बोलो, b रेशो bf क्या आने वाला है, 3:4। हाँ तो ठीक है, ई एफ रेशो बी एफ क्या आ गया बताओ, बस इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट है तो बताओ, चलो ये रफ करता हूं मैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो भी। एक सेकेंड, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, यार ये थोड़ा अच्छे से ट्राई करना सभी लोग, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसा अभी किया था वैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है ओके स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ट्रायंगल एबी, एबीसी, ठीक है, क्वेश्चन है ये, पी डिवाइड्स एबी इन 3:1 एक्सटर्नली, 3:1 एक्सटर्नल, हाँ ए बी को 3:1 में एक्सटर्नल डिवाइड एक्सटर्नल कर रहा है ये, ऋषिकेश, हाँ सर, पॉइंट पी बी के बिलो होना चाहिए या ए के अबव बताओ, ए बी के, बी किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1, और कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल का मतलब ए बी लाइन पे ही कहीं आएगा ना, बाहर आएगा ना, लेकिन एक्सटर्नल है तो, हाँ तो इसके ऊपर आएगा या इसके इधर आएगा ये बताओ, नीचे आएगा, क्यों, सर रेशो क्या रीजन है बताओ, सर ए रेशो पी बड़ा है, यार भाई कुछ भी करो कसम से यार, बॉर्मिटा वगैरह खाना कुछ भी स्टार्ट करो, लेकिन सीरियसली कुछ तो करो, देखो यार पी ए बी को 3:1 में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल, इसका मतलब पी का किससे डिस्टेंस ज्यादा है, ए बी, अरे ए बी से नहीं, ए से, ए से,
तो ऑब्वियसली बात है ना, यहाँ पे आएगा कहीं पे। हाँ P divides AB in 3 ratio 1 externally, तो ये क्लियर है, पॉइंट भी इधर कहीं पे आने वाला है, ओके? और AB को ये 3 ratio 1 में external divide करता है, मतलब PA upon PB, ये value कितनी है? This one. हाँ, ओके, D is the midpoint of? Yes. ये D is का midpoint है. Next line क्या लिखा हुआ है? PD meets at E, extend करेंगे. AC at E, extend कर रहे हो आप इसको. और क्या find करना है finally? AE ratio. AC. EC find करना है. अब आप एक काम करो, एक को तो आप रख दो zero vector, correct? हाँ sir. इसको रख दो B vector, इसको रख दो C vector. External division का formula use करके P find कर लो. P हाँ. B और C के mid. हाँ, B vector plus C vector part. Midpoint बोलो हाँ. सर आवाज नहीं आ रहा. सर लाइट है ना, एक सेकंड यार, ये पता नहीं क्या हुआ है. रुको फिर से बनाते हैं. क्वेश्चन तो नोट किया था ना तुमने? हाँ हाँ किया. हाँ सर क्वेश्चन किया. ठीक है. ये आगे तक चला गया पी. One minute. ओके एबीसी थोड़ा छोटा बना देते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया हम लोगों ने पी. ये मिड पॉइंट है डी. इसको मिधर मीट करोगे ई. ये दोनों सेम. ये क्वेश्चन है. ये है जीरो वेक्टर,
ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर, ये है पी वेक्टर। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, जीरो वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इसको डिवाइड कर रहा है पी वेक्टर, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। लेकिन एक्स में तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 3:, तो पी वेक्टर क्या आ गया बोलो, 3b वेक्टर वेक्टर आ गया, 3b/2 करेक्ट, ठीक है। डी वेक्टर क्या आएगा बोलो, b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाय 2 करेक्ट है। अब आप सिंपल सा काम ये कर दो बस, इसको तो रख दो आप लैम्डा रेशो 1 और इसको रख दो k रेशो 1 और दोनों साइड से ही फाइंड करके इक्वेट कर दो, करो स्टार्ट करो। हाँ बोलो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 और के इज इक्वल टू -3 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। यार काफी इजी क्वेश्चन है यार, है ना, देखो बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट जा रहा हूँ। तो यूजिंग लैम्डा रेशो 1, डी इज इक्वल टू लैम्डा ई प्लस ई अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर इनटू लैम्डा प्लस 1 यानी लैम्डा प्लस 1 प्लस सी अपॉन 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा ई, सॉरी माइनस पी, माइनस पी, हां माइनस पी, और पी क्या लिख सकते हो आप, 3b/2 ऑन करना पड़ेगा आपको लैम्डा, सही है। एक आप यूज कर लो के रेशो 1, इससे डायरेक्ट ई वेक्टर आएगा, कितना आएगा ई वेक्टर, के सी वेक्टर अपॉन के प्लस 1, के प्लस 1, के सी प्लस 0 अपॉन के प्लस 1, के प्लस 1, दोनों साइड से ई वेक्टर को इक्वेट कर दो। तो पहले बी वेक्टर इक्वेट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, है ना, ओके। ऊपर वाले में बी वेक्टर कितना आ रहा है, लैम्डा प्लस 1 ऑन 2 माइनस 3/2, एक सेकंड एक सेकंड, ये पूरा ब्रैकेट है यार, है ना, ये फुल ब्रैकेट है इसे।
ओके, तो ऊपर वाले में भी वेक्टर आ रहा है, लैम्बडा प्लस वन अपॉन लैम्बडा लैम्बडा माइनस थ्री अपॉन टू लैम्बडा टू लैम्बडा लो वाले में जीरो है। सी वेक्टर कंपेयर कर लो, ठीक है, ऊपर वाले में सी वेक्टर कितना आ रहा है, लैम्बडा प्लस वन अपॉन टू लैम्बडा, इधर सी वेक्टर आ रहा है के अपॉन के प्लस वन, ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टू आ गया होगा मुझे लगता है। हाँ सर, लैम्बडा इज इक्वल टू टू और के इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री। हाँ नहीं यार, माइनस थ्री तो नहीं आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो देखो एक बार। थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू के अपॉन के प्लस वन, सो थ्री के प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर के, के इज इक्वल टू थ्री आएगा, के इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री, हाँ के इज इक्वल टू प्लस थ्री आने वाला है। यार ये मुझे लगता है अब सबको समझ में आ जाना चाहिए, देखो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, और बहुत प्यार से समझा रहा हूँ मैंने कई चीज एकदम अच्छे से। कोई डाउट है किसी को बोलो। तो फाइनली इधर पॉइंट था ई, ये था ए, ये है सी, क्या क्वेश्चन था, एक मिनट, के रेशो वन था ना ये, लैम्बडा रेशो वन था, के रेशो वन था ये, तो ये हो गया थ्री रेशो वन। क्वेश्चन में क्या था, ए रेशो ई सी या कुछ और, ए रेशो ई सी सर, थ्री स्टोन हो गया, आंसर आ गया थ्री रेशो वन, करेक्ट, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया। इसे नोट कर लो, कोई डाउट है तो बताओ। रफ करें, चलो थोड़ी देर और पढ़ते हैं फिर छोड़ते हैं तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैं याद है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी लिखा था हम लोगों ने, जेड वेक्टर इज इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्बडा जेड टू माइनस जेड, सर। हाँ यार एक मिनट, ही पता नहीं क्या हो रहा है आज, ओके नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, तो तुम थोड़ा समझने का ट्राई करना अभी, फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, करेक्ट, लेट्स से बी वेक्टर, देखो सुनो, अच्छा पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर, मतलब इस तरीके से एक लाइन है और ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है ए ब्रैकेट में ए वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब ये वेक्टर कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से आ रहा है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर, बी वेक्टर, आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है आर वेक्टर, समझ गए, हाँ अगेन ये भी इसका पोजीशन वेक्टर है, हाँ
आप मेरे को ये बताओ इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो? आर माइनस ए, आर माइनस ए किसके पैरेलल है? बी वेक्टर के, बी वेक्टर लैम्डा इनटू बी। हां आर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा ए, हां लैम्डा बी, लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वो है जिसके जिस पॉइंट से वो लाइन पास होती है और ये वो है जिसके वो पैरेलल है। क्लियर? जब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D चैप्टर वेक्टर के बाद में, हम लोग इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। क्या यूज होता है इसका बताऊंगा मैं वहीं पे, अभी तुम इतना समझो। ठीक सर, इसे सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब हियर आर वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है? एक लाइन को। भाई लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट, सुनो एक मिनट, लैम्डा डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आई कैप जे कैप की कैप मिलेगा। हाँ सर, हाँ। बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे आपको और उन सारे पॉइंट्स को जब तुम ज्वाइन करोगे तो एक लाइन पे लाई करेगा वो सब, समझ गए? तो हियर आर वेक्टर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है? i cap plus j cap comma minus one, यानी one comma one comma minus one से पास हो रही है वो लाइन। हाँ हाँ, और ये लाइन किसके पैरेलल है? b वेक्टर, two i cap plus three j minus four k। अच्छा एक चीज और, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि केवल ये इस पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मतलब तुम जैसे लैम्डा इज इक्वल टू वन पुट करो तो i cap plus two j cap three k, हाँ वही आ जाएगा। अरे वही नहीं आएगा, अलग आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू वन पुट करो तो i cap plus two j cap three, three i cap plus two i cap three i cap comma three plus one four comma minus four minus one minus five। वो लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही होगी। ऐसे लैम्डा टू रख दो, थ्री रख दो, फोर रख दो, हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ आई के जेके के मिलता जाएगा। क्लियर? तो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफिनिट पॉइंट्स हैं। ऋषिकेश कोई डाउट? नहीं सर। बताओ कोई डाउट है तो? नहीं सर, क्लियर। ठीक है, रुको अभी नोट मत करो, नेक्स्ट पॉइंट पहले, बस दो ही पॉइंट है, बस हो गया था सेकेंड पॉइंट। Equation of a line यार, ये सब तुम्हारे बोर्ड में भी है। बोर्ड के फोर चैप्टर्स होते हैं वेक्टर थ्रीडी के, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए ए वेक्टर एंड बी बी वेक्टर। अच्छा तुम्हें डाउट नहीं हो रहा होगा, अभी मैं पॉइंट को वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये ओरिजिन से आ रहा है, ओरिजिन से आ रहा है, पोजीशन को शो करेगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट है ए, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पॉइंट है बी, पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। आपको फाइंड करनी है इसकी लाइन, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है आर, आर वेक्टर। एक काम करो आप, एक तो आप ये वेक्टर बना दो, सही है, और एक आप ये वेक्टर बना दो। आई बात समझ में? दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल। तो तुम लिख सकते हो आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा भाई, ऑब्वियस ही बात है ना, जैसे ए पॉइंट है बी पॉइंट है तो इस लाइन के पैरेलल तुम लिख सकते हो ना बी माइनस ए। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या आ गया बोलो? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए। इसका मतलब ये भी किस स्ट्रेट लाइन है, वो कहां से पास हो रही है? ए वेक्टर से, और किसके पैरेलल है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सुनो एक चीज, इसमें तुम लैम्डा 1 पुट करो, सपोज करो तो लैम्डा 1 पुट करोगे तो ए और ए क्या हो गया? कैंसिल, कट गया, बी वेक्टर आ गया, क्योंकि ये लाइन बी वेक्टर से भी पास हो रही है। तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, चलता है दोनों में से कुछ भी लिख दो, समझ रहे हो? ए माइनस बी लिखोगे तो भी ठीक है, जितने भी पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना सबको तुम यहाँ पे लिख। क्लियर? नोट करो इसे। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं।
अब अच्छे समझ से चलो है ना, आज के लेक्चर से इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो गया है। रिया कोई डाउट है तुम्हें बताओ। नहीं सर। ओके से नोट करो क्वेश्चन लिख। ये क्वेश्चन नोट करो, आज इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन नोट करो फिर मैं बताता हूँ ये इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। L1 लाइन वो A और B से पास हो रहा है, L2 लाइन है वो C और D से पास हो रहा है, चेक वेदर लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। क्वेश्चन नोट हो गया ये? हाँ सर। ओके अब तुम लोग एक चीज समझो है ना, थोड़ा पहले ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैं बात करता हूँ 2D की, तो 2D में सपोज करो लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट करते हैं क्या? नहीं 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 करते, सिंपल सी बात है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? Not parallel. करेंगे क्या?
हाँ कर सकते, कर सकते नहीं करेंगे, करेंगे जरूर करेंगे। वन पॉइंट ओके। और एक पॉसिबिलिटी और है कि वो कोइंसाइड ही हो जाए इनफिनिट, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाएगा तुम्हें। और थर्ड पॉसिबिलिटी की ये लाइन है और इसी के ऊपर सपोज करो कोई सेकंड लाइन आ गया, ठीक तो ये हो गया कोइंसाइड लाइन और ये इनफिनिट पॉइंट्स पे कट करते हैं। अभी सपोज करो मैं बात करता हूँ 3D का, फर्स्ट पॉसिबिलिटी पैरेलल लाइंस। अच्छा ये क्लियर हो गया इसका मतलब कि सपोज करो लाइंस पैरेलल नहीं है तो 100% कट करते हैं, क्लियर 2D में। 3D की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस कट करते हैं क्या? नहीं नहीं करते हैं। सेकंड नॉट पैरेलल, अब बताओ क्या कमेंट कर सकते हो, कट करना कंपलसरी है या नहीं है बताओ। कर भी सकते नहीं भी कर सकते नहीं करने का एग्जांपल बताओ सर, अगर कोई होगा जीरो जीरो आई कैप होगा और जे और के में होगा एक वेक्टर, और अगर दूसरा होगा नॉर्मली बताओ, नॉर्मल नॉर्मल ही बताओ सर। हाँ बोलो, हमारे रूम के एक कॉर्नर से लेके डायगोनली दूसरे कॉर्नर और एक एक्सिस, सही है। देखो इस तरीके समझो, जैसे ये एक लाइन है ठीक है, ये वीडियो ऑन किया है मैंने, वीडियो ऑन कर तुम देखो एक बार, सर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन पैरेलल है क्या बताओ? नहीं। कट करेंगे क्या ये बताओ? नहीं नहीं करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ और भी देखो एक सेकेंड, जैसे और कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को इस चीज को, समझ गए? ठीक है, जैसे आप इस तरीके समझो, हाँ ऐसे समझो, सपोज करो ये रूम है ठीक है, तो इस रूम के अंदर ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है क्या बताओ? नहीं नहीं। कट करेंगे क्या ये लाइन बताओ? नहीं नहीं कट, नॉट पैरेलल एंड डज नॉट इंटरसेक्ट, आई बात समझ में? लेकिन 2D में तो ये फिक्स है कि पैरेलल नहीं है तो 100% कट करते हैं, लेकिन 3D में जरूरी नहीं होता है, क्लियर? मतलब ये लाइन पैरेलल भी नहीं है और ये लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, और इन्हीं लाइंस को हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। हाँ स्क्यू लाइंस का मतलब नॉट पैरेलल एंड डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब जो पैरेलल भी नहीं होते और इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। और एग्जांपल देना है मेरे को इसके ऊपर या समझ गए? समझ गए सर। हाँ अब जैसे देखो ये लाइन है ना, ये लाइन और ये लाइन ये तो पैरेलल हो गए, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये लाइन और ये लाइन हो गया या फिर ये लाइन और ये लाइन हो गया, तो ये पैरेलल नहीं है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्यू लाइंस, करेक्ट। तो देखो यार ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है और एक अच्छा पॉइंट है ये कि 2D में तो लाइन पैरेलल नहीं है 100% कट करेंगे, लेकिन 3D में पैरेलल नहीं है तो डिपेंड करता है, कट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। हाँ नोट करो, ये सब नोट करो, ये जो राइट साइड में लिखा है ये नोट करो और ये नोट करो। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब
पैरेलल नहीं है तो हो सकता है कट कर रहा हो, लेकिन नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसक्यू लाइंस। ठीक है, चलो एक बार राइट साइड में कंसेप्ट नोट कर लो पूरा। ठीक है, रफ करता हूँ इसे, है ना। ऋषिकेश नोट हो गया पूरा? हाँ सर। ये डायग्राम वगैरह सब बन गए? हाँ सर। चलो ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे दो लाइन्स हैं, एक लाइन है पासिंग थ्रू ए बी और सेकंड लाइन है पासिंग थ्रू सी डी। ठीक है, अब ए बी लाइन का इक्वेशन लिखो पहले। R1 वेक्टर इज इक्वल टू, एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस ए पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्बडा बी माइनस ए, डन। तो ये हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस 4k, करेक्ट। एक आप लाइन लिखो सी डी, सी डी क्या लिख सकते हो आप, आर टू इज इक्वल टू, सी पॉइंट यूज कर रहे हैं तो ये हो गया टू आई कैप फाइव जी कैप और जीरो के कैप प्लस, इसको आप लेमड़ा नहीं बोल सकते अभी, इसको म्यू बोल दो एक काम करो, ठीक है, डी माइनस सी। यार दोनों नंबर डी माइनस सी कितना आ रहा है, माइनस 11 जे कैप माइनस 11 जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, ए बी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल है, सी डी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके पैरेलल है, मेरे को पहले तो ये बताओ ए बी और सी डी पैरेलल है क्या? बेटा जो डायरेक्शन होती है ना, ये होती है डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन होती है हमेशा, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन के कोफिशिएंट्स रेशियो में आ रहे हैं क्या? नहीं सर। क्योंकि यदि ये पैरेलल होता तो 100% कट नहीं करते फिर वो। अभी हालांकि मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए, लेकिन मैं चलता है इतना ही बस, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि ये कोई यूज नहीं होने वाला, ये तो तुम्हें केवल समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं मैं। लिख दूं डायरेक्ट क्लियरली नॉट पैरेलल, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट्स रेशियो में नहीं है इसलिए। ओके ऋषिकेश, मेरे को इतना बता कि ये 3D लाइंस है और ये पैरेलल नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वन पॉइंट पे कट करेगा? नहीं, हो सकता है एसक्यू लाइंस रहे हो। हाँ। अच्छा अब सुनो, where these lines will intersect,
और कोई तरीका नहीं है चेक करने का, ऐसे करना पड़ता है आपको, है ना। वहां पे दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम। आई कैप आर वन के अंदर आई कैप कितना आ रहा है बताओ, 1 + 2 लैम्बडा। और आर टू के अंदर आई कैप कितना आ रहा है, 2 + - μ। जे कैप आर वन के अंदर जे कैप कितना आ रहा है, 1 + λ। 1 + λ। और आर टू में जे कैप कितना आ रहा है, 5 - -11μ। इन दोनों इक्वेशन से आप लैम्बडा और म्यू फाइंड करोगे, घर पे कर लेना इसको, और उससे थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखोगे। लेफ्ट साइड के कैप कितना आ रहा है बताओ, ऊपर वाले में 1 - 4λ। आर टू में के कैप कितना आ रहा है, 0 - μ आ रहा है। ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ गए। और इसको सेटिस्फाई करता है मतलब वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज इतना ही पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करके आना, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा मैं आपसे, है ना, इंटरसेक्ट कर भी रहे या नहीं कर रहे हैं। अगेन ध्यान रखना ये पैरेलल नहीं थे, फिर भी डाउट है हमें कि इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 3D है, 3D में पैरेलल नहीं होते तब भी हो सकता है इंटरसेक्ट नहीं करें, 2D में तो नहीं पैरेलल है तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही पढ़ते हैं आज। चलो ओके भाई, ठीक है, चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। चलो यार ओके भाई, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तुम लोगों ने।